हमारी लड़की ने अपराध किया है तो मैंने स्वयं थाने में ले जाके अपराधी को दिया। ये अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई रिश्ता नहीं होता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक मिसाल पेश की है। दरअसल भाजपा विधायक ने अपने ही बिगड़ैल बेटे के कारनामों से परेशान होकर उसे हवालात में भेज दिया। विधायक खुद अपने बेटे को लेकर थाने पहुंचे। वही विधायक के इस काम की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि दूर के रिश्तेदार भी किसी के विधायक या सांसद हो जाने पर रौब झाड़ते हैं, लेकिन यहाँ विधायक प्रीतम लोधी ने जिस तरह से अपने ही बेटे को हवालात में भेज दिया है, उससे कहीं ना कहीं सभी जनप्रतिनिधियों को सबक लेना होगा। बता दें कि पिछोर विधायक प्रीतम लोधी का बेटा दिनेश लोधी आए दिन नशे करके हंगामे करता है। इतना ही नहीं, दिनेश पर लोगों को परेशान करने के भी आरोप लगते रहे हैं। अपने ही बेटे की इन हरकतों से विधायक खुद परेशान हो गए। इसके बाद विधायक प्रीतम लोधी खुद अपने बेटे को लेकर थाने पहुंचे। यहां उन्होंने थाने के अधिकारियों और खुद एसपी से भी बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। यहां बता दें कि थाना पुरानी छावनी सहित कई अन्य थानों में दिनेश के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल दिनेश को थाना पुरानी छावनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेटे को हवालात भिजवाने के बाद भाजपा विधायक ने मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई रिश्ता नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। उन्होंने कहा कि मेरे लड़के ने अपराध किया है, मैंने स्वयं उसे पुलिस के हवाले किया है। एसपी साहब से भी मैंने खुद बात की है और कहा कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराएं लगाई जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। थाने में मैंने भी पुलिस के साथ अपने बेटे दिनेश को थर्ड डिग्री दी है। उन्होंने कहा कि मैं अपराध के विरोध में हूं और हमेशा रहूंगा। पुलिस को पता है मैंने अपराधी का साथ दिया या फरियादी का। और एसपी साहब से मैंने स्वयं बात की, मैंने कहा नहीं, अपराध रोकने के लिए इस पर कड़ी से कड़ी धाराएं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसके एसपी साहब गवाह है। अपराध कोई भी करेगा, अगर अत्याचार अन्याय करेगा तो प्रीतम मोदी उसके खिलाफ रहेगा, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। और मैं तो शुरू से अपराध के विरोध में रहा हूँ, गरीबों की सेवा में रहा हूँ और यही करता रहूंगा। गिरफ्तारी भी जी, गिरफ्तारी उसकी, हाँ गिरफ्तारी मैंने, आप पता करिए थाने के टीआई से, एसपी साहब से, हमने स्वयं ले जाके थाने में किया है। और जो थर्ड डिग्री का पुलिस इस्तेमाल कर दिया वो हमने किया, बिल्कुल राइट किया हमने। हमने की अपराध नहीं करने देंगे, हमारे घर में अगर अपराधी रहेगा तो हम बचेंगे नहीं। इससे आपकी छवि पे अंतर पड़ा, फिर भी इस माफी मांगे जी, बात सही है आपकी। आप लोगों को थोड़ी पता है कि हम अपराध के खिलाफ है, लेकिन पुलिस प्रशासन को सबको मालूम है कि हमने इस अपराध में अपराधी का साथ दिया, कि हमने फरियादी का साथ दिया।